नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है और आज का मुद्दा है आखिर कितने बिगड़े वोट। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास बस एक ही काम बचा है? इसी मुद्दे पर आज हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। खड़गे के बयान पर आज संसद में घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने खड़गे के इस बयान का पुरजोर विरोध किया और माफी की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय के केंद्रीय स्मृति ईरानी पर दिए लटके झटके वाले बयान पर भी हंगामा हुआ। बयानबाजों के बयानों पर बढ़ता बवाल नजर आया। ऐसे में सवाल यही है कि कब संभलेगी बदजुबानों की जुबान, कब लगेगी लगाम, जुबानी जंग में कितना गिरेगा राजनीति का स्तर। कांग्रेस के पास एक काम, मोदी का अपमान। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? सियासत की लड़ाई कुत्ते चूहे पर आई। जो चाइना का थ्रेट है और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? माफी मांगे खड़गे, कितना गिरेगा बयानबाजी का स्तर? जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और उनसे माफी की मांग करता हूँ। लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। कब संभलेगी बदजुबानों की जुबान? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उसे मैंने बोला है, वो हमने जो बात बोली उसे मैं कायम। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? बिगड़े बोल के कितनी बादशाह। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? और ऐसे में भारत 24 सवाल पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस के पास एक काम, मोदी का अपमान? क्या जो चुनाव में हारे वो लटके झटके के सहारे? ये दूसरा सवाल। क्या सियासत की लड़ाई कुत्ते चूहे पर आई? ये भी सवाल। बिगड़े बोल के आखिर कितने बादशाह हैं कांग्रेस पार्टी में? सवाल ये भी। क्या सियासी नाकामी इसलिए ये बदजुबानी? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मनोज यादव जी जुड़े हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। ऋतु चौधरी जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। बादल देवनाथ जी जुड़े हैं हमारे साथ, नेता टीएमसी से हैं। मधु केशवर जी भी मेरे साथ रहेंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश कुमार जी रहेंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगी। मनोज मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सीधा रुख कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी का, ऋतु चौधरी जी का। ऋतु जी, एक के बाद एक इस तरह की बयानबाजी आपके नेता कर रहे हैं, आखिर क्यों, किस बात की ये बौखलाहट है? ये बौखलाहट इस बात की है कि जब चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हमारे सर पे प्रहार किए जा रहा है, हमारे जो भारत के अंदर हजारों किलोमीटर घुस गया है, तो हमारी बौखलाहट तो बिल्कुल बिल्कुल जो है स्वाभाविक है। ये होना ही चाहिए कि विपक्ष काम होता है कि सरकार को सचेत करे कि अगर दुश्मन जो है अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप सो क्यों रहे हैं, आप उठते क्यों नहीं और दुश्मन से आप जो है मुकाबले की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आप बेकार के बयानबाजी करते हैं, आप दीपिका के कपड़ों के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इस बात को देख रहे हैं कि हमारा देश खतरे में है? जो चाइना है कोई छोटा मोटा कोई देश नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो एक महाशक्ति है, उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी चाहिए। और जिस प्रकार से चाइना की तैयारी है इसमें कोई शक नहीं कि चाइना के इरादे ठीक नहीं है और विपक्ष
डरी हुई थी और आप लोग बौखलाए हुए हैं। मनोज यादव जी, सुना आपने? साजिया जी, जी देखिए साजिया जी, मैंने सुना बहुत अच्छे से रितु जी का। देखिए कांग्रेस पार्टी के बौखलाहट को देखिए, वैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं नफरत के दुनिया में एक मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहा हूँ, ये जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन लगातार देखिए इनके एक नेता पटेरिया जी, वो बोलते हैं कि मोदी जी को मारने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी कभी रावण बोलते हैं, कभी कोई इनको औकात की बात करता है, कभी नीच जाति की बात करते हैं। तो ये किस तरह के स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? लगातार प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री का अपमान करना? नहीं, आप सुनिए अभी रितु जी, मैं आपके बीच में नहीं बैठ बोला साजिया जी, ठीक है बोलिए बोलिए साजिया जी। अब ये है कि इनके पास ना मुद्दे हैं, ना इनकी नियत साफ है। ये मुद्दा विहीन दिशा विहीन कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, इसलिए इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है लगातार। अभी स्मृति ईरानी जी के बारे में क्या क्या बोला गया है पूरे देश ने देखा, लटके झटके कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि कुत्ता भी मरा है क्या? ये कुत्ते की संस्कृति आपके पास है कांग्रेस पार्टी के पास, कि बड़े जो मालिक है उनके लिए पूंछ हिलाने का काम आप ही लोग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और मैं बता देना चाहता हूं, अखंड भारत को बनाने के लिए, भारत को जम्मू कश्मीर के लिए अगर किसी ने बलिदान दिया है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया है। तो आपको पता होना चाहिए, इस देश को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हमारे शीर्ष नेताओं ने अपनी शहादत दे चुके हैं। और जहां तक चीन की बात कर रहे हैं, विलियम बंस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की साख आज इतनी है कि रूस ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो यूक्रेन और रशिया युद्ध के अंदर न्यूक्लियर वार होने वाला था। आज नरेंद्र मोदी जी की साख है कि आज देखिए कि चीनी कोई भी हमारे यहां घुस नहीं पा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की साख है कि नरेंद्र मोदी जी एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है कि आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है। और इनका रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो चंदा लेकर के चंदाखोरी करते हैं, चंदाखोरी करने वाले लोग, कायर लोग, ये सेना का अपमान करते हैं, लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं, सैनिकों की बोल रहे पिटाई हो रही है। तो ये बताइए चाहते क्या है? ठीक है रितु जी, आऊंगी आपके पास, और भी लोग हैं, पहले उनसे सवाल ले लेती हूँ। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता है। बादल जी, कभी कुत्ता कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो कभी स्मृति ईरानी के लिए लटके झटके जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शब्द तो बहुत सारे थे, आपत्तिजनक शब्द जो कि अब तक बोले गए हैं, विवादित बयान दिए गए हैं, महामहिम तक को नहीं छोड़ा गया है, उनके लिए भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बावजूद इसके ये फेहरिस्त जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की बढ़ती जा रही है। मेरे सवाल ये है कि ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध में इस भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों? मैडम पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग पहले एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए सब कुछ बोलते हैं, संसद में हो, बाहर में हो, आंदोलन में मुद्दे के ऊपर बात करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने खुद बोल रहा है, एक पुराना पार्टी जो कांग्रेस आजादी के लिए लड़ी है, और उन्होंने 135 साल का पार्टी है, मल्लिकार्जुन का एक वरिष्ठ आदमी है और पार्टी का अध्यक्ष है, ऐसे टिप्पणी देना बिल्कुल गलत बात है, मैं समझता हूँ। और दूसरा बात है, जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर है 80 के ऊपर उनका उम्र है, उनको किसी के बारे में, वो मोदी के बारे में हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो, किसी बाहर के कोई आदमी हो, एक कांग्रेस पुराना पार्टी के उसको कुछ बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको जो बोलना चाहिए था, जो आरएसएस के कोई भी लीडर, कोई भी स्वयं सेवक आजादी की लड़ी है, यही बोलना चाहिए। लेकिन उसको कुत्ता या गाली बा कुछ बोलने से पहले उन्होंने, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, पुराना पार्टी है, सोच समझ के बोलना चाहिए था। और पहले और एक बात है, मैं ममता बनर्जी का सैनिक हूँ, और मेरा दीदी के बारे में मैं गर्व करता हूँ, दीदी ऐसा बात नहीं बोलती है। ठीक है बादल जी, आऊंगी मैं आपके पास। मधु केशवर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार है। मधु जी, विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध में अंधे हो जाना ठीक नहीं है, और विरोध में गलत भाषा का इस्तेमाल करना क्या और बेहतर हो जाता है इससे विरोध, इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेसी? शाजिया बहुत सही कह रही है कि विरोध करना सही है जहां विरोध की जरूरत है। यहां तो सवाल यह है, छाज तो बोले सो बोले, छाननी क्या बोले, जिसमें 10,000 छेद हैं।
और ऐसे छेद जिन्होंने इस देश को लहूलुहान कर दिया, और आज से नहीं, इनकी जो कार्यकलाप रहे हैं आप देखिए 20 के दशक से, जब से इनके नेता अपने ये तुष्टीकरण की राजनीति चलाने लगे, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं का अब तो चिट्ठा पत्रा खोला जा चुका है कि कैसे, एक तो अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर नाच रहे थे, देवो फाइव स्टार गैस, अब ये कहते हैं बीजेपी के कुत्ते ने भी खून नहीं बहाया, हमारे तो नेताओं ने, दे वर ट्रीटेड एज फाइव स्टार गेस्ट्स। कभी ढंग से किसी को ना नेहरू जेल हुए, ना गांधी, ऐश अयाशी करते थे जब वो अरेस्ट भी होते थे, एंड दे वर अरेस्टेड ओनली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिसग्रंटलमेंट ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। नंबर वन, आप देखो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर किसने सरेंडर किया, नेहरू ने। टिबेट को किसने गिफ्ट किया चाइना को, नेहरू ने। और दलाई लामा ने गुहार लगाई थी, प्लीज हेल्प अस फाइट इट, अमेरिका ने ऑफर किया था, विल हेल्प यू इजेक्ट चाइना फ्रॉम, नेहरू अड़ गए, नहीं नहीं हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद 1960s का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ, कितनी मार खाई हमारी फौजियों ने कांग्रेस की हुकूमत के दौरान, नेहरू ने कितनी बदहाली की हमारी सेना की, देश की, और कितनी टेरिटरी चाइना को गिफ्ट हो गई। 1971 में चलिए वॉर तथा कथित आपने जीत लिया, पर 93,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे बिना किसी कंडीशन के आपने लौटा दिए, उनको खाना खिला के, बिरयानी खिला के, पाकीज़ा फिल्में दिखा दिखा के उनकी ऐश कराई, फिर उनको लौटा दिया और कुछ भी कंसेशन नहीं लिया। आज देखिए एक तरफ बांग्लादेश तथा कथित, बांग्लादेश तो बनाया पर अब दो दुश्मन हो गए, दो तरफ से अब हमारे पे हमले होते हैं, दो तरफ से टेररिस्ट आते हैं, दो तरफ से डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है। और नेहरू परिवार की जो मॉरल करप्शन है, जो जो इन्होंने किया, जो नेहरू और एडविना के ही किस्से हैं, और उस वक्त इतना क्रूशल टाइम था देश का, ये अयाशी रोमांस कर रहे थे, और लेकिन इस तरह की भाषा राजनीति तो सब करते आए हैं, अलग अलग दलों का अलग अलग समय पर राज रहा है, लेकिन इस तरह की भाषा क्यों सवाल इस समय ये खड़ा है। शाजिया, शाजिया बिल्कुल, ऋतु जी मैं आऊंगी आपके पास, एक एक सवाल का जवाब मैं सभी गेस्ट से ले लूं, उसके बाद से मैं आ रही हूं आपके पास। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, सवाल यही है कि एक के बाद एक कांग्रेस के लीडर्स इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। मेरा फिर वही सवाल, क्या इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने से विरोध और बेहतर तरीके से हो जाता है व्यक्त? देखिए, आप अगर कांग्रेस की राजनीति पर ध्यान देंगे तो 2004 के पहले आपस में विरोध था, लेकिन कांग्रेस में इस प्रकार की भाषा हम नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि नरसिंहा राव के शासनकाल में बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ था, आरएसएस पर बैन लगा था, लेकिन फिर भी कोई कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से आज बोला जा रहा हमने कभी नहीं सुना। 1948 में यहाँ तक कि गांधी जी की हत्या हुई, आरएसएस पर आरोप लगा, बैन लगा, लेकिन ये भाषा जो शुरू हुई है ये मनमोहन सिंह सरकार आने के बाद शुरू हुई है, क्योंकि वो जो कांग्रेस थी पीछे की ये कांग्रेस वो नहीं रही है। तो ये सारी भाषाएं इसी प्रकार से बोलते हैं। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात, देखिए ये इस समय ऐसे भाव प्रकट किया जा रहा है जैसे कांग्रेस जो आज की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, इसी ने आज़ादी का आंदोलन किया, इसी ने आज़ादी की लड़ाई दी। इन कांग्रेस के लोगों को ये पता नहीं है कि उस समय आप देखिए हिंदू महासभा, उसके जो मेंबर्स होते थे वो कांग्रेस के मेंबर होते थे, उसके अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, सब एक साथ काम करते थे। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखा में जाता था वो कांग्रेस में काम करते थे। इस प्रकार की दूरियां थी ही नहीं। और मदन मोहन मालवीय मिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, तो वो एक वातावरण अलग था। इस समय एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि सब कुछ इसी कांग्रेस ने किया, और इस करने के कारण लोगों में इतना रिएक्शन है कि आप देखेंगे कि नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, सावरकर जी पर जो अटैक करते हैं, तो लोग अलग अलग भाषाओं का ऐसे प्रयोग करते हैं जिनसे हम लोग भी सहमत नहीं होते। अब जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के वो पार्टी के अध्यक्ष के साथ राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इनके लोगों ने क्या किया है, इनको पता ही नहीं है कि इस देश में जितने क्रांतिकारी हुए हैं, जितने लोग फांसी चढ़े हैं, उनमें से किसी का भी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा है।
क्रांति जिसको अभी बादल देवनाथ एक महान इतिहासकार, मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, इनको यह भी नहीं पता है कि डॉक्टर हेडगेवार, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, उसी कोलकाता में क्रांतिकारी सबसे बड़ा अनुशीलन समिति में उसमें सक्रिय थे, और जब वो नागपुर चले गए थे, जब उन्होंने संघ बनाया तो सुभाष चंद्र बोस उससे मिलने गए थे कि हमको आजादी की लड़ाई में इसी प्रकार से आपका साथ चाहिए होगा। तो बगैर जानकारी के वैचारिक मतभेद होने पर आप उंगली क्या उठाते हैं? ये तो आरएसएस बीजेपी संभालती है, जैसे लोगों का मुकदमा करके और अंदर डालना चाहिए। आपको कुछ मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है आपको कि आप इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। तो इस समय देश में एक तो लंबे समय से एक, अरे सुनिए, आपने पूरा झूठ बोला पूरे देश के सामने। आपको पता है अनुशीलन समिति क्या थी? देश के सारे बड़े क्रांतिकारी वही होते थे। आपको मालूम है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर हेडगेवार से मिलने गए थे कि नहीं? जब वो बीमार थे, सारी चीजें सामने हैं, आपने बैठ दिया, किसी ने भाग नहीं लिया। आपको पता है कि आरएसएस ने, सुनिए, आरएसएस ने जब नमक सत्याग्रह हुआ तो उसके शासन चालक ने त्याग पत्र देके स्वयं 10,000 टन से पुनः उसमें सत्याग्रह किया। तो मेरा कहना है कि वैचारिक स्तर पर विरोध करना और किसी को इस प्रकार से गाली देके पूरा इतिहास को बदल देना, और जो लोग बैठते हैं, एक बात और बता दूं, सुनिए, आपको जानकारी नहीं है, 10 नवंबर 1949 को, लेकिन 10 नवंबर 1949 में सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहता हूँ कि जाके कार समिति का प्रस्ताव पढ़े। सरदार पटेल ने प्रस्ताव दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस का भाग बना दिया जाए, वो प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन नेहरू जी को मंजूर नहीं था, 17 नवंबर को लौटे और इस प्रस्ताव को खारिज किया गया। बिल्कुल, अभेश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन भाषा की गरिमा, इज्जत, ये सब कुछ अलग होता है। मनोज मिश्रा जी, इससे पहले भी कई ऐसे लीडर्स रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के जिनकी दोस्ती रही है, दुनिया के सामने भी रही है। वाजपेयी जी उनमें से एक है जिन्होंने मदद की है, कई ऐसे कांग्रेस के बड़े लीडर है, मैं नाम यहां पर नहीं लूंगी। तो फिर आज ये स्तर पर क्यों आ गई है पार्टियां कि एक दूसरे के लिए गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? खास करके कांग्रेस थेवी में तो फेहरिस्त लंबी चौड़ी जो चलती चली आ रही है, अब ये महिलाओं का सम्मान करना भी भूलते जा रहे हैं, फिर चाहे वो महामहिम हो या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर। असल में कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है, और ये जो भाषा की मर्यादा टूट रही है उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है, धीरे प्रतीत वो कमजोर होते जा रहे हैं। अब अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, 47 में देश आज़ाद हो गया। उस समय शैशव काल में संघ से जुड़े जितने लोग थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और स्वतंत्रता संग्राम कोई 10 साल से चलने वाला चीज़ तो था नहीं, वो तो 1857 से भी पहले से शुरू हो गया था। तो वो सारे आंदोलन में जो विचारधारा से जुड़े हुए, जैसे अवधेश जी ने बताया, एक भी व्यक्ति मेरी जानकारी में भी यह है कि फांसी पर चढ़ने वाला कांग्रेस का वर्कर नहीं था। लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल या जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आज़ादी के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था, देश को उन पर नाज है और हम सब उनका सम्मान करते हैं और करना चाहिए। लेकिन ये कह के खारिज कर देना कि बाकी लोगों ने कुछ किया ही नहीं, ये और उसके लिए अपशब्द बोलना, ये अपमानजनक है, अपमानजनक है और गलत है। डॉक्टर सुनील का मैं रोक कर रही हूँ। डॉक्टर सुनील, देश की आजादी की लड़ाई में सबका बराबर का योगदान रहा है, सब साथ मिलकर के एकजुट होकर के लड़े हैं, इसलिए आज देश आजाद है, इसलिए आजाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं। तो फिर ये बात कहां से निकल आती है कि उनका तो कुत्ता भी नहीं मरा होगा? देखो साधिया, विरोध करते करते आप इतने गिरते जा रहे हैं कि निश्चित तौर से सीमाएं लांघ रहे हैं। मतलब राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जो अवधेश जी ने बताया, मिश्रा जी ने जो बताया, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप कम से कम विरोध करिए। शब्दों का भंडार हमारे पास है, ऐसे शब्द आपके पास हैं कि आप बोलेंगे तो लगता है मुझे कि सामने वाली पार्टी के नेता या लोग पानी पानी हो जाएंगे, लेकिन आज आप उन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जहां मुझे लगता है कि गाँव के गलियारे में भी उन शब्दों का उपयोग नहीं होता। और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च पद है वो, उसके बावजूद आपने बार बार, चाहे गुजरात के चुनाव की बात है, चाहे अभी अभी के हाल ही के चुनाव की बात करें, आप मर्यादाएं तोड़ते जा रहे हैं। और कम से कम देखिए, इन मर्यादाओं को तोड़ते तोड़ते ये भी आना पड़ा कि संसद में भी कुछ शब्दों पर बैन लगाना पड़ा। राजनीति पिछले 2 दशक से इतनी दूषित होती जा रही है,
ऐसे शब्दों का उपयोग होता जा रहा है कि कम से कम न कह सकते हैं न सुन सकते हैं। तो जब आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो लगता है मुझे कि इनको अपना लीडर मानती है, नेता मानती है, इनके पद चिन्हों पर चलना चाहती है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी, वो क्या इनके बारे में कहते होंगे। वोटर की छोड़िए आप अपने समर्थकों की छोड़िए, लेकिन एक ऐसा समूह जो आपको दूसरी नज़र से देखता है, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, उनके विचारों के साथ आप खेल रहे हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में राजनीति करिए, राजनीति का इतना स्तर मत गिराइए कि कम से कम आम पब्लिक के लोगों को ग्राम में जाओ। लेकिन उससे पहले रितु चौधरी जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूं। रितु चौधरी जी, आप बोलना चाह रही थी, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा ले लीजिए। इस तरह की पार्टी की छवि तो नहीं रही है कांग्रेस पार्टी की। आप जानती हैं कि सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, और ये बात आप लोग खुद बोलते आए हैं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेता आप में रहे हैं, उसके बावजूद आज इस स्तर पर क्यों उतरना पड़ा है? क्या मजबूरी है आप लोग की कि गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? शाजिया, मैं हर बात का जवाब देना चाहती हूँ। आपने छह जो है हमारे प्रवक्ता बैठाए हैं जो भाजपा के, एक बार बात सुनिए ना। आप सबको इतना समय दे रही है तो मुझे भी दे दीजिए थोड़ा। आपको मिला के सात हो जाते हैं, ठीक है? तो मुझे एक या तो एक एक के बाद समय दीजिए ताकि मैं सबकी बात का जवाब दे सकूं। अब मैं आपका जवाब दे दूं तो ये जा सकता मैं उसी पर आ रही हूं। रितु चौधरी जी, क्या करें हम लोग, कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुत्ता बिल्ली सही कहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा 2000 पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, और तीन अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस है। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दी है मैंने, अब अपनी बात पूरी कीजिए। ये इसी में तो कांग्रेस खत्म हो गई पर्सनल अटैक में। आप पर्सनल अटैक करेंगे या पत्रकार खड़े हैं? ठीक है, नहीं तो क्या करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुत्ता है, तू हाथ बोला है, हम लोग यहाँ सपोर्ट करें क्या? हम लोग इस भाषा का सपोर्ट करें? मैं तो कह रहा हूँ नरसिंह राव के शासन काल तक हम लोगों ने इस प्रकार की भाषा राजनीति में कांग्रेस की नहीं सुनी थी। पहली बार ये भाषा जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी है, सोनिया जी उसकी प्रधान बनी है, जब एडवाइजरी कमेटी में दुनिया भर के वामपंथी सारे लोग आए हैं, तब से इस भाषा का। ठीक है, देखिए जल्दी से रितु जी पर्सनल कमेंट ना करके अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद से मुझे ब्रेक जाना है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे जिन्होंने बोला था कि कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। ये मेरा बयान नहीं था, ये मोदी जी का बयान था। अभी जो है मधु जी बोल रही थी, नेहरू जी का जो है करेक्टर रजिस्ट्रेशन कर रही थी, मैं कहती हूँ इन लोगों को शर्म नहीं आती? चाइना सर पे बैठा आप नेहरू की बात कर रहे हो? अरे आप आज की बात करो ना, आपको आपसे कोई सवाल मधु जी किसी पार्टी से नहीं आती है, आप किसी पार्टी को इसका दोष नहीं दे सकती है। रितु चौधरी जी, भाषा की गरिमा का ख्याल सभी को रखना होगा, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। जी मैं भाषा की गरिमा पे आप बिल्कुल, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं। जी देखिए, भाषा की गरिमा पे ही बात कर रही हूँ कि ये समय आया जब मोदी जी जो है सत्ता में आए, उसके बाद भाषा का स्तर गिरा भाजपाइयों का। वो प्रधानमंत्री जी थे जो लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि महिलाओं के बारे में जो अब सब बोला गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया, कांग्रेस की विधवा बोला गया, मनोज यादव बोला गया, हाइब्रिड पछड़ा बोला गया। रितु चौधरी जी के और मेरे पास समय नहीं है रुकने का, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। रितु चौधरी जी की इसी बात को कंटिन्यू करते हुए बीजेपी से अगला सवाल हो गए। मनोज यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, सीधा मैं आपको मनोज जी के पास लिए चल रही हूँ। मनोज जी, सुना आपने रितु जी को, उन्होंने एक के बाद एक धड़ाधड़ आरोपों की बौछार आपके ऊपर कर दी है, जवाब रख दीजिए। देखिए साजा जी, शिशुपाल ने जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी को 100 गालियां दी थी, उसी तरह की मुझे लग रहा है 87-88 गालियां अभी तक दे चुके हैं। और इसकी शुरुआत 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी, 2007 में मौत का सौदागर मोदी जी को बोल करके। उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ और लगातार, चूंकि मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, सामंती सोच अभी इनकी हावी है, और अभी तक ये लोग पचा नहीं पाए हैं कि गरीब परिवार का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। और जहां तक इन्होंने चीन की बात कही, और मैं बता देता हूं कि इन्होंने बात की स्वतंत्रता आंदोलन की, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, सत्ता असहयोग आंदोलन हो या सत्याग्रह आंदोलन हो, उसमें सरसंघ चालक, पहले जो हमारे आद्य सरसंघ चालक थे हेडगेवार जी ने त्यागपत्र देकर के उस आंदोलन में शामिल हुए। और पूर्ण स्वतंत्रता की बात भी अगर किसी ने पहली बार रखी थी तो श्रद्धेय हेडगेवार जी ने रखी थी, जिसको वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव में उसको माना गया। और जहां तक इनके लोगों की बात है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई पार्टी थी,
या अंग्रेजों की बीटी के टीम के रूप में काम की, जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेज ओक्टन ह्यूम ने की थी 1885 में, ये इनकी पार्टी कहाँ से हो गई और इनको किस हिसाब से इन्होंने कौन सी जेलों में गए? ये नजरबंदी को जेलबंदी बोलते क्या? काला पानी की सजा बताइए मुझे, नेहरू जी को कितने बार हुई? एक बार भी काला पानी की सजा हुई क्या? इनका क्या योगदान है? इनका सोनिया गांधी जी के पिताश्री का योगदान है क्या? और टीएमसी के जो नेता बादल देव जी बोल रहे हैं, मैं बादल देव जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका कितना बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, बताइए जरा। और बादल देव जी से मैं बोलना चाहता हूँ, बादल देव जी आप तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नड्डा चड्डा गड्ढा क्या क्या आप शब्द बोलते थे, आप बोलते हैं हमारी दीदी तो ऐसा कुछ बोलती नहीं है। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई हैं और लगातार अपमानित करने का जितना काम किया गया है ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को करने का काम कर रहे हैं। और साजिया जी, चीन का मैं जवाब दे देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे रक्षा मंत्री ने बकायदा स्पष्ट रूप से जवाब रखा, लेकिन लगातार ये बोलते हैं कि चीन हमारे सैनिक पिट गए हैं। ये जो डोकलाम के समय है, जब 2017 में डोकलाम का मामला आया था, तो उस समय जब हम लोग इसको सोल्यूशन कर रहे थे, तो चीनी राजदूत के साथ में बैठे पाए गए। और चीनी चंदा लेने का काम कौन करता है? लगातार चीनी चंदा लेने का काम नहीं करती। 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि किसने सुपुर्द कर दी थी? ये किसने किया? ये आप लोगों ने किया है। आपके कांग्रेस पार्टी के महापापों को, कांग्रेस पार्टी के जो महापाप थे, कांग्रेस पार्टी के कुकृत्य थे, उनको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। चीन के सामने नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीन की सेना हमारे एक इंच भी कदम नहीं रख पाई है। 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि आप लोगों ने उनके दान में दे दी थी। और मैं बता देता हूँ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय सिक्किम को मान्यता देने का काम भी चीन ने श्रद्धेय अटल बिहारी जी के सरकार में किया था। आप लोग तो सिक्किम को भी मान्यता नहीं दिला पाए थे, ये कौन सी ये रिश्ता क्या कहलाता है? चीनी चंदाखोरी करने वाले लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है? इस देश का खाते हैं आप लोग, चीन चीन चिल्लाते हैं, हमारे देश के सैनिकों का अपमान करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोलते हैं आप लोग। ये आप लोग का चाल चेहरा और चरित्र है। लगातार तिरंगे का अपमान करना, भारत का अपमान करना, भारत के संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन चुका है। ठीक है, ऋतु चौधरी जी एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि बीजेपी की ओर से, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, मनोज जी आ रही हो आपके पास, एक सवाल पहले दूसरा ऋतु चौधरी जी आपने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से अब शब्दों की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री मोदी को आपने बीच में घसीटा कि उन्होंने भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या वो कुएं में कूद जाएंगे तो क्या आप लोग भी कूद जाएंगे? और फिर उस उपदेश का क्या जो राहुल गांधी देते आए हैं, प्यार मोहब्बत वाली भाषा का? नहीं, हम बिल्कुल, हम तो मोहब्बत का संदेश लेकर चले हैं, हम तो बोल रहे हैं। तभी कुत्ते जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी लटके झटके बोला जाता है एक महिला मंत्री के लिए। सुनिए, ये वही स्मृति ईरानी है ना जो अभी राहुल गांधी को ललकार रही थी, इसको शर्म आनी चाहिए थी विवेक, तो उनके लिए गंदी भाषा यूज करेंगे आप लोग, तो उनके लिए गंदी भाषा यूज करेंगे आप लोग, अगर वो ललकारेगी तो आप लोग गंदी भाषा यूज करेंगे। ये समृद्ध नहीं, हमने कोई, अगर वो ललकारेगी तो आप लोग गंदी भाषा यूज करेंगे क्या? हमने कोई गंदी भाषा इस्तेमाल नहीं की। लड़के क्या होता है, एक महिला के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? मुझे बताइए क्या जो इस्तेमाल शब्द किए गए हैं स्मृति ईरानी जी के लिए लटके झटके, वो सही है किसी भी लिहाज से? शाजिया जी, सोनिया गांधी महिला नहीं है, ये बताइए आप। मतलब वही बात आ गई ना कि वो कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूदेंगे, मतलब बात वही आ गई ना, वो लोग जो करेंगे आप भी वही करेंगे, आपकी अपनी कोई रणनीति नहीं है, आप लोग की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अपने कोई स्टैंड नहीं है? देखिए, हमारी विचारधारा है, लेकिन जब आप सामने से इतने प्रहार करेंगे, आप कांग्रेस की विधवा बोलेंगे, आप जो है जर्सी गाय बोलेंगे, आप हाइब्रिड बछड़ा बोलेंगे, आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, आप इतने शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो है समृद्धि जी जो है सोनिया गांधी को पार्लियामेंट में अपशब्द बोलेंगी, आमने सामने हमला करने के लिए मारने को आएंगी, तो क्या क्या करेंगे हम? चुप बैठ के हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे क्या? क्या हमारे सांसद बोले भी नहीं क्या? हमारे नेता बोले भी नहीं क्या? ठीक है, ये बात हो गई, ये तो बात नेताओं की हो गई, तुम्हारे क्या लगा पड़ते हैं? महामहिम तो इस देश की है ना, उनके लिए भी
लिए आपके नेता अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रपति के लिए भी राष्ट्रपति बोलते हैं, मोदी जी की माता जी को लगातार सम्मान है, गौरव है। अनुमा आचार्य जो इनकी प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरह का ट्वीट किया था, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर आप इतना जोर से बाउंस करेंगे तो आपके ऊपर जरूर आएगा। आप कीचड़ इतनी उछाली है कि आपके ऊपर ना गिरे। आप जब किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हो तो सबसे पहले आपके ऊपर पड़ती है, और ये कीचड़ जो है भाजपा के ऊपर आके पड़ रही है। वो सब ठीक है भाजपा जी, मैं फिर वही कह रही हूँ कि राजनीति में बहुत कुछ चलता है, लेकिन राष्ट्रपति तो पूरे देश की है ना, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। देखिए राष्ट्रपति जी के लिए जो महामहिम के लिए शब्द बोले उसके लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांगी। कांग्रेस रिएक्ट कर, अगर हमारी इंटेंशन अगर गलत होती तो उसे माफी नहीं मांगी। गलत इंटेंशन नहीं थी, गलत सिर्फ शब्द थे। ठीक है ऋतु जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। बादल जी बादल का माफी मांग बोलना चाह रहे हैं। बादल जी, मनोज जी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ममता दीदी कुछ नहीं कहती है, लेकिन मनोज जी तो बता रहे हैं कि चड्डा गड्ढा नड्डा जैसे शब्दों का इस्तेमाल ममता दीदी द्वारा ही किया जाता। रितु, मैं तुमको पहले अनुरोध कर रहा हूँ, तुम एक बार इनको पूछो, मनोज जी को पूछो, पहले 2021 विधानसभा चुनाव से पहले, 2021 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री खुद दीदी को बंगाल में आके ओ दीदी बोल के दीदी को अपमान किया था। आज तक मोदी जी खुद देश के जो लीडर है, जिसके नाम चारों तरफ पूरे देश में विश्व में उनको फैला रहे, मोदी जी ने माफी मांगी। आ रही हूं मनोज जी, आज तक दीदी को क्यों दीदी दीदी बोल के टोना कौन किया? अमित शाह जी खुद बंगाल में आके बार बार दीदी को अपमान करते, वो भी तो एक महिला। भाई साहब, दीदी को दादी तो नहीं बोला ना, दीदी को चाहते बोला, दीदी को दीदी ममता ममता दीदी को चाहती है, और वही दीदी को ये लोग ददुआ नहीं बोला, ददू नहीं बोला, उनका नाम बिगाड़ने का काम नहीं किया, अपमान करने का काम नहीं किया, एक बार नहीं, वो दीदी का बार बार अपमान किया था दीदी को, और एक महिला नेत्री को देश के लोग गड्ढा जो आपने बोला था, मुझे बताइए आपने बोला था कि नहीं? आज तक मोदी जी ने अपमान किया, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतंत्र को संहार करने वाले, चुनाव के बाद में नरसंहार मचाने वाले, लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाले, नेताओं का अपमान करने वाले, ये तो आपका चाल चला चरित्र है। अरे आरएसएस से हेड गवर्न जी आपके पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, जरा बताइए टीएमसी का क्या योगदान? सवाल है आपका, सवाल का जवाब मैं ले लूंगी, मैं सवाल का जवाब ले लूंगी मनोज जी, बिल्कुल बादल जी से ले लूंगी सवाल का जवाब। मधु किशोर जी आपका कमेंट अभी, बादल जी आ रही हूं मैं आपके पास। कितने बार काला पानी गए आप लोग, कितने बार काला पानी गए? इनके पास बोलिए महात्मा गांधी है, मनोज जी 10 घंटा दस दिन ले लीजिए, 10 वर्ष ले लीजिए, बादल जी आपके पास जवाब नहीं है। एक बार पूछिए इनके पास, इनके करके बोलेंगे, इनके करके सवाल रखेंगे, और आरोप यहाँ पर बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग एक एक करके बोलें। मधु किशोर जी जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगी। थैंक यू शाजिया, अगर ये चुप होंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगी। नंबर वन, ऑपोजिशन में रह के रूलिंग पार्टी को बदनाम करना एंड वाइस वर्सा, वो तो दुनिया में कईयों ने देखा है, परंतु कांग्रेस एक अनोखी ऐसी पार्टी है जिसने अपने नेताओं को ह्यूमिलिएट किया, डाउनग्रेड किया, क्योंकि वो हिंदू पहचान को क्रश समझते थे। ये हाल तिलक का, अरबिंदो का, लाला लाजपत राय का, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद का, सरदार पटेल का, सरदार पटेल देखो बोलने नहीं देती है, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, मैं चुप बैठी थी। इन्होंने इन सभी नेताओं को कम्युनल ऐसे कह के बाजू में किया, शास्त्री जी का मर्डर कवर अप किया, भगत सिंह की फांसी में गांधी और नेहरू दोनों कॉम्प्लिसिट थे, और बहुत चीजें हैं जो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को जायज क्रिटिसिज्म बहुत दे सकते हैं,
बहुत ऑफर कर सकते हैं, गलतियां हो रही हैं भाजपा से, मोदी जी से भी, पर ये असली अरे बहन आपको आऊंगी मैं आपके पास, सबको एक-एक करके बोलने का मौका दिया जाएगा। हमारा किसी से वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन हम शब्दों के प्रयोग, जैसे मधु जी जो कह रहे हैं बात सही है कि कांग्रेस ने अपने आरंभिक नेताओं जिन्होंने कांग्रेस को तेवर दिया अंग्रेजों के लिबरलिज्म से निकाल के, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे उनका महत्व नहीं दिया और आज भी नहीं स्वीकारते, वो अलग धारा थी। लेकिन मतलब गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को कभी भी किसी से भारत में कम नहीं। अरे सुनिए, अरे सुन तो लो ना, आप ही की बात कर रहा हूँ यार। अरे सुनो भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, सुनिए नहीं करेगी। अरे भाई सुनिए ना, आप ही की बात कर रहा हूँ, समझ ही नहीं है। अरे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की आजादी के आंदोलन में या 1947 के बाद इस देश के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका को हम लोग कभी नकार नहीं सकते हैं। वो सुनिए नहीं रही है, वो सुनने के लिए आप ही के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, सुनिए नहीं रही है। अरे सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नेहरू जी, गांधी जी सब हमारे लिए सम्मानित हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग नकारते नहीं हैं। गांधी जी के बारे में तो कोई अपशब्द कहे तो हम लोग स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। जो मधु जी ने अय्याश शब्द का प्रयोग किया, हम नहीं सहमत हैं उससे। नेहरू जी से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन उनको हम अय्याश इससे हम सहमत नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस समय की जो कांग्रेस, अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, इस समय की जो कांग्रेस है ये वो कांग्रेस नहीं है। सोनिया गांधी की कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस समय की कांग्रेस ने राजनीति के बहस को, विषय को, सभी मर्यादाओं का पूर्ण बिल्कुल अतिक्रमण हुआ है। और रीति जी जब बोल रही थी, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा क्या कहा गया था जिससे प्रभोक होकर के उन्होंने बातें बोल दी हैं? क्योंकि जो बातें कह रहे हैं वो बातें आई हैं, जो बातें कह रहे हैं वो 2004 में आलोचना हुई थी सोनिया जी की, उसके बाद के वो शब्द नहीं है। मैंने कभी पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में सोनिया जी को लेकर के किसी भी विरोधी पार्टी को अपमानजनक शब्द कहते हुए नहीं सुना है, मेरे संज्ञान में आता तो हम। इसलिए कांग्रेस जो कुछ भी कह रही है वो बहानेबाजी है। कांग्रेस इस समय अपनी, सुनिए, अपनी पराजय से, राजनीतिक पतन से किंकर्ता विमूर की अवस्था में वो समझ नहीं पा रही है क्या शब्द करें। 10 से 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी के पास जाना मुझे। शाजा जी देखिए, खड़गे जी जो है एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं और दलित परिवार से आते हैं, और ये जो बात है वाजपेयियों को कहीं ना कहीं खटक रही है, और बार बार जो है खड़गे जी को निशाना बनाया जा रहा है इसी बात को लेकर। खड़गे जी बहुत सीनियर लीडर है और बहुत लोकप्रिय नेता है, वो कभी इस तरह की कोई बात कर नहीं सकते जिसका कोई अस्तित्व हो नहीं। अरे भाई रितु जी, मुझे बताइएगा, गरीब परिवार से खड़गे जी आते हैं, गरीब परिवार से खड़गे जी आते हैं, तो इसका मतलब उनको उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया क्या मोदी जी को गाली देने का? क्या वो गरीब परिवार से आते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया क्या? क्या गरीब परिवार से आते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया क्या? अगर वो गरीब परिवार से आते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया क्या? इस तरह के कुत्ता शब्द और इस तरह की भाषा बोलने का, बोले मुझे लग रहा है कि राजनीति वर्षों से इस देश में होती नहीं राइट दे रही है रितु जी, लेकिन राजनीति में शब्दों की मर्यादा तो बना के रखना जरूरी है। सहमति असहमति अलग है, और जब अलग अलग दल बनते हैं तो जाहिर तौर से वैचारिक मतभेद होते हैं, और मतभेद होना भी एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इसलिए मतभेद तो होना ही चाहिए। लेकिन ये इस तरह के संवाद से हम राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरा रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है कि मनभेद की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में अगर विचारधारा की लड़ाई हो वैचारिक स्तर पर, तो फिर शब्दों की मर्यादा गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी बात समझाएं लोगों को, जनता को अपनी बात कहें, भाई किन्हीं कारणों से भाजपा लगातार ऊपर चली जा रही है, वो लगातार चुनाव जीतती थी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो अपशब्द बोलें, ये कतई किसी स्तर पर भी इसको बिल्कुल बड़ा सवाल यही है। डॉक्टर सुनील, वाकई क्या विफलता हासिल हो रही है इसलिए बौखलाहट कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी की रह रहकर जाहिर हो रही है, क्योंकि जनता के मुद्दों पर तो बात नहीं हो रही है, ना लड़ाई हो रही है, बल्कि एक दूसरे के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है। नहीं देखो, विफलता के साथ मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों से कांग्रेस लड़ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, और तब मुझे लगता है कि बीच में ऐसे शब्द निकल के आते हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी जिन शब्दों का तब भी इस देश ने लोगों ने विरोध किया था, या तो उनकी डिबेट्स या तो उस समय के न्यूज़पेपर्स निकाल के देखें तो ऐसा नहीं कि भाजपा के जो नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो कहा तो उस समय उसका विरोध नहीं हुआ, उस समय भी उन्होंने विरोध किया। एक ऐसा वर्ग था वो उनके शब्दों से उस समय भी सहमत नहीं था, जिस तरीके से आज आपके शब्दों से सहमत नहीं है। दूसरी बात, जो खड़गे साहब ने कहा है मेरे दादा ने मेरे देश के लिए कुछ नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या जो भी जिन नेताओं का साजिया देश की आज़ादी में योगदान रहा और उनके पोता पोतियों का आपको योगदान नहीं है तो क्या वो राजनीति में है क्या? आप तमाम महात्मा गांधी जी के परिवार को आप ले लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को परिवार को आप ले लीजिए, तमाम ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो आज की स्थिति में वो जनता के बीच नहीं है, या वो मुझे लगता है राजनीति नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो ऐसा नहीं है कि उनके दादा ने कोई किया था देश की आज़ादी में तो अब उनको उसका सम्मान मिलना चाहिए। अब राजनीति में आपको करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड आपका एनालिसिस होता है। यदि आप कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ देश के बारे में कुछ ऐसे अपशब्द का उपयोग या दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समीक्षा होगी, लेकिन आप ये कह दें कि मेरे दादा ने कुछ नहीं किया तो आपको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे दादा ने किया था या अवधेश जी के दादाजी ने किया था इसलिए अवधेश जी हकदार हैं, मेरे दादा ने नहीं किया तो मैं हकदार नहीं हूँ, ये सब नहीं चलने वाला। अब राजनीति आप साफ सुथरी राजनीति है, आप जनता के बीच जाइए, रहिए, करिए, जनता से कनेक्ट अपने आप को करिए, अपने पार्टी के नेताओं को करिए, तो निश्चित तौर से आप सत्ता में लौटेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों का उपयोग दुरुपयोग करके मुझे नहीं लगता कि सत्ता में वापसी हो सकती। ठीक है, मनोज यादव जी, जब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठते हैं भाषा की मर्यादा को लेकर के, आपत्तिजनक विवादों को लेकर के, आप शब्दों को लेकर के, तो वो याद दिला देते हैं कि बीजेपी के नेताओं की भी फेहरिस्त है जो कि आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम क्यों ना करें? मनोज यादव जी, देखिए साजिया जी, इस तरह के शब्दों का स्वस्थ लोकतंत्र में कहीं भी हर तरह से निंदनीय है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत भी सोनिया गांधी जी ने 2007 में की थी, मौत का सौदागर प्रधानमंत्री जी को बोल करके। लेकिन लगातार इनके नेता ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं कि मोदी जी को मारने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के जो दो प्रधानमंत्री जो पार्टी खो चुकी है, इस तरह की दुर्घटना हुई, दुर्दांत घटना हुई और उनको प्राणों की आहुति देनी पड़ी अपनी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं कि मोदी जी को मारने के लिए तत्पर होना जो हो जाना चाहिए, तो किस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं? अमर्यादित भाषा तो है ही, और इससे भी स्तरहीन भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी करती है, और लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरह की भाषा का प्रयोग इसलिए कर रही है क्योंकि इनको पच नहीं रहा है कि पिछले 8 सालों से ये लोग सत्ता से बाहर है, सामंती सोच अभी भी इनके ऊपर हावी है। और देखिए साजिया जी, इन्होंने लगातार आजाद भारत के इतिहास में भी लगातार हमारे नेताओं का अपमान किया, सरदार पटेल जी हो, अंबेडकर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, केवल और केवल उधारी का नाम लेकर के गांधी जी का लगातार इस देश को ठगने का काम किया, और यही कारण है कि आज तक पता नहीं पा रहे हैं कि चांदी की चम्मच ये लोग लेकर के पैदा हुए हैं, और हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हुए हैं, पिछड़े समाज से आए हुए हैं, यही कारण है कि लगातार देखो ऋतु जी को डिफेंड करना पड़ेगा क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा बोला है, तो मैं समझ सकता हूँ ऋतु जी की मजबूरी है, बड़ी हिम्मत की बात है ऋतु जी, आपको साधुवाद देता हूँ, आपके नेता आपके नेता इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो देश की जनता जो कांग्रेस पार्टी का जो शिशुपाल रूपी कांग्रेस पार्टी है, शिशुपाल रूपी जो कांग्रेस पार्टी है उसको देश की जनता उखाड़ करके लगातार फेंक रही है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। शिशुपाल रूपी जो कांग्रेस पार्टी है उसको उसके गर्दन उतारने का काम, उसको नेस्तनाबूद करने का काम देश की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। मनोज यादव जी, ऋतु जी आओगे आपके पास, बादल देवनाथ जी जुड़े हुए टीएमसी से हैं, बादल जी एक तरफ हम देख रहे हैं पूरे देश में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक नेता है जो कि इस तरह के बयानों की झड़ी लगाए हुए हैं, राहुल गांधी बनाने का काम कर रहे हैं, उधर नेता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा सर? मैं 2-3 लाइन में कहूंगा सजिया मैडम, देखिए भाजपा के पास ऐसा लीडर, मैं 2-4 नाम लेता हूँ, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, ऐसे मतलब पंडित ज्ञानी व्यक्ति भाजपा के पास नहीं है। और दूसरा ये तो सच है,
1925 से आरएसएस का जब तक जन्म हुआ डॉक्टर रिक्त से आपसे आज तक आरएसएस के कोई स्वयं सेवक स्वतंत्र आंदोलन में नहीं थे और शामिल भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है, इनको मान लेना चाहिए। तीसरा बात है, ये लोग बोलते नहीं है, राजनीति में इस तरह की भाषा होनी चाहिए इस्तेमाल? राजनीति का स्तर कहां पर पहुंच गया है? फाइनल कमेंट जल्दी से मैं लेना चाहूंगी, एक एक करके। मधुकेश्वर जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। मधु जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए संभव हो सके तो। जी, मैं ये कह रही हूँ कि राजनीति का स्तर गिराने का श्रेय अगर किसी को जाता है वो कांग्रेस से भी ज्यादा लेफ्ट को जाता है। ये लेफ्ट की घुट्टी है कांग्रेस के ऊपर, जो उनकी शब्दावली, एक तो इस्लामिस्ट शब्दावली, दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट शब्दावली, क्योंकि उनका काम ही फसाद करना है। और किसी भी रूलिंग पार्टी को, किसी महत्वपूर्ण नेशनल पार्टी को ब्रिज बिल्डिंग का काम करना चाहिए। कांग्रेस पागल हो चुकी है, जिस तरह हिंदू समाज को अपने से बिल्कुल विमुख करती जा रही है, इस तरह की गाली गलौज भाजपा के ऊपर केवल हो, ये तो हिंदू को टेररिज्म का ठीकरा फोड़ रहे थे। हिंदू टेरर की किसने आइडियोलॉजी हमारे ऊपर थोपी? क्योंकि आपने पाकिस्तान के ISI के टेररिस्ट को बचाना था और इसलिए आपने फेक हिंदू टेरर की थ्योरी तक लगा दी। बिल्कुल, और उसी को लेकर के आज भी सवाल उठते आए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन अब भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। बिल्कुल ठीक है मधुकेश्वर जी, और सभी खास मेहमानों का, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, ब्रेक का समय हो चुका है, सभी खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए पब्लिक है ये सब जानती।